कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि भगवान गणेश का जन्म शिव और पार्वती के विवाह से पहले ही हो गया था। दावा इस बात का भी किया जाता है कि शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणपति की पूजा की थी। साथ ही साथ लोग बेहद विश्वास के साथ ये भी कहते हैं कि माता जगदम्बा ने महागणपति नाम के देवता की आराधना की थी, जिसके बाद महागणपति पार्वती से खुश होकर उनके पास पुत्र रूप में आए। इन दावों को सच साबित करने के लिए आधार बनाया जाता है तुलसीदास रामायण के बाल कांड के दोहे को, जिसमें तुलसीदास जब इस बात का जवाब देते हैं कि शिव और पार्वती के विवाह में गणेश की पूजा कैसे हो सकती है जब गणेश शिव और पार्वती के ही पुत्र हैं, तो तुलसीदास कहते हैं, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजहु शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनिसुर अनादि जिए जानी। यहाँ पर तुलसीदास ये कह रहे हैं कि शिव और पार्वती ने अपने विवाह के समय मुनियों के निर्देश पर गणपति की पूजा संपन्न की। आगे तुलसीदास कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संशय या संदेह ना करे, क्योंकि देवता गणपति अनादि होते हैं। इन तमाम दावों को और खुद तुलसीदास के दोहे को शिव पुराण की एक कहानी बराबर की टक्कर देती है। शिव पुराण की इस कहानी से तुलसीदास के इस दोहे पर कई सवाल खड़े होते हैं। जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो तब की है जब शिव ने गणपति के सर को अपने त्रिशूल से काट दिया था। अगर आपने ये कहानी पढ़ी या सुनी होगी तो आपको याद होगा कि जब शिव ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया था, तब उन्होंने गणेश के धड़ पर हाथी का सर लगाया था, जिसके बाद शिव ने गणेश को ये वरदान दिया था कि उनकी सर्वप्रथम पूजा होगी। यहाँ गौर करें कि शिव ने गणेश को इस बात का वरदान अपनी शादी के बाद दिया था। पार्वती से विवाह के बाद ही शिव ने गणेश को ये वरदान दिया था कि हर शुभ कार्य में गणपति की पूजा होगी। तो सवाल ये उठता है कि शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणपति की पूजा क्यों की? बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब तुलसीदास की रचना पर सवाल उठाए जा रहे हों। इससे पहले भी तुलसीदास रचित रामायण पर कई तरीके के सवाल उठाए जा चुके हैं। ऐसे में तुलसीदास के इस दोहे में आपको कितनी सत्यता लगती है ये आप तय कीजिए। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।